सो गाइस, आप लोगों ने पार्ट 5 में देखा था कि मैंने अपने एक्स गर्लफ्रेंड से कैसे बदला लिया, फिर मैंने उसकी सहेली को कैसे पटाया, फिर जैसे मैंने उसकी सहेली को पटाया तो हमारे बीच में नंबर शेयर हुआ एंड रोज बातें होने लगी। मतलब कि जैसे हमारी छुट्टी होती थी तो सबसे पहले घर जाते थे और खाना खा के एकदम से एक दूसरे को कॉल लगा के बातें करने लगते थे। फुल निब्बा निब्बी वाली हरकतें होने लगी। फिर एक दिन मैं और मम्मी मार्केट जाने वाले थे क्योंकि उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल करके कहा था कि आज मैं स्कूल नहीं आऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्कूल ना जाके अपनी मम्मी के साथ मार्केट चला जाऊं, खाने को तो मिल जाएगा। फिर मैं अपनी मम्मी से बहुत जिद करने लगा कि मम्मी मुझे भी आपके साथ मार्केट जाना है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तब मम्मी ने मुझे कस के एक डंडा मारा और कहा तुझे मैंने अभी 3-3 रोटी खिलाई है स्कूल जाएगा बोल के और तू बोल रहा है कि स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर मैं एकदम से रोने लगा और मुझे रोते देख मम्मी भी मान गई। और मुझे अब भी वो दिन याद है क्योंकि तब वेडनेसडे का दिन था एंड हर हफ्ते हमारे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर मार्केट लगता था। तो मैं और मम्मी रेडी हो गए वहां पे जाने के लिए। तो मम्मी ने कहा तू साइकिल निकाल के उसे साफ करता रहे, मैं गाय को पानी खिला के आ रही हूँ। तब मम्मी वहां से गाय को पानी खिलाने चली गई एंड मुझे फिर से मम्मी का फोन मिल गया। तो मैंने सीधा अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाया और ऑफिस रूम में जाके एकदम मसक मसक के बातें करने लगा। और जब मैं कॉल कट करने वाला था तब मैंने उसे आई लव यू कहा और उसे आई लव यू 2 कहने को फोर्स करने लगा। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि मम्मी कब का आके मेरी और उसकी सारी बातें खिड़की से सुन रही है। अरे तो एल लग गए। मम्मी ने मुझे जैसे ही उसे आई लव यू कहते हुए सुना तो दरवाजा खटखटाया, तो मैंने तुरंत कॉल कट कर दिया। फिर जैसे ही दरवाजा खोला तो मम्मी ने मुझे कान में पकड़ के खींच के 2-4 थप्पड़ लगाया और कहा साले हरामखोर, अभी तक पैदा हुआ दांत नहीं टूटा है और तू एक ही लड़की को आई लव यू कहने लगा। मतलब लिटरली उस दिन मेरा पूरा मूड खराब हो गया एंड शर्म के मारे में मम्मी को कुछ भी कह नहीं पाया। फिर मम्मी मुझे पूरे रास्ते पर अपनी बकबक सुनाते सुनाते मार्केट लेके गई और सुनाते सुनाते वापस घर लेके आई। तब मम्मी ने इसके बारे में भैया को भी बताया तो भैया मम्मी का फोन चेक करने लगा क्योंकि तब मेरा खुद का फोन नहीं था। तो मैं मम्मी की फोन चुरा के अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता था और एक दिन मैंने ऐसे ही नोट पेड पे हाई आई लव यू लिख के रखा था। तब मैंने उसे डिलीट भी करने की कोशिश की थी बट मैं डिलीट ही नहीं कर पाया तो भैया ने उसे देख लिया एंड मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर था तो मैंने हाई आई लव यू को ही आई लोको यू लिख के रखा था। तो भैया ने उसे जैसे ही देखा तो मुझे कहने लगा ये क्या है ही आई लोको यू। लिटरली भाई उस दिन ये सुन के मैं और बड़े भाई इतना हंसे कि कहो ही मत। और हम दोनों को हंसते देख मम्मी भी हंसने लगी और कही साले इतना छोटा है फिर भी लड़की को आई लव यू कहता है तेरी तो। मतलब उस दिन तो मजाक मस्ती में ये वाला सीन क्लियर हो गया। लेकिन मैं दूसरे दिन जैसे स्कूल गया तो गर्लफ्रेंड पूछने लगी कि कल क्यों बातें करते करते कॉल कट कर दिया। तब मैं शर्म के मारे कुछ भी कह नहीं पा रहा था और तभी कहती है क्यों मम्मी ने देख लिया क्या। फिर मैंने कहा हाँ यार इसीलिए कॉल कट करना पड़ा। तब कहती है मम्मी ने तुम्हें मारा तो नहीं। फिर मैंने कहां मारेगी यार, हमारी मम्मी मुझे एक गाली तक नहीं देती। अब समझो यार अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो तो बनना ही पड़ेगा ना। फिर हम दोनों बेंच में जाके बैठ गए क्योंकि तब हमारा ब्रेक टाइम था। तो दोनों साथ में बैठे और मेरा दोस्त भी हमारे सामने आया और वो हमें चैलेंज करने लगा कि अगर तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो तो एक दूसरे को किस करके दिखाओ। मतलब वो भी चांस में डांस मारना चाह रहा था। हाँ ये बात अलग है कि मैं भी इसी चक्कर में था। बात तो सही है। तो मेरे दोस्त ने जैसे ये बात कही तो मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे तू यहाँ से भाग कह दिया। फिर मैंने उसे कहा अरे यार ये कैसी बातें कर रही हो, वो ठीक तो बोल रहा है, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो तो एक किस करके दिखाओ क्योंकि मुझे भी किस करने का बहुत मन कर रहा था। तो मैं अपने दोस्त के सपोर्ट में आ गया क्योंकि ऐसा चांस दोबारा कहाँ मिलता। बड़े हरामी हो बेटा। बड़े हरामी नहीं चाचा, हम तो महा हरामी लोंडे थे। फिर मेरी गर्लफ्रेंड कहने लगी नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करनी, जो भी होगी शादी के बाद होगी। मतलब देख रहे हो लोंडिया पट्टी नहीं कि शादी तक की सपने देखने लग गई और आज मैं किसी के साथ और वो किसी के पास। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैंने उससे कहा अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो तो आज एक किस करके साबित करना ही होगा। फिर मैंने अपने दोस्त को पीछे मुड़ने को कहा और उसने मुझे गालों पे एक किस कर भी दिया। तो मैं समझ गया कि अब ये मेरी हो चुकी है, मतलब कि इसके ऊपर अब अपना राज है। फिर कुछ दिन बाद लालच बढ़ी, गालों से होटल तक बात बढ़ी। राजा जी। तो मैंने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को कहा मुझे किस करने का बहुत मन कर रहा है, देगी क्या। तब वो शर्माने लगी। फिर एक दिन जैसे हमारी छुट्टी हुई तो दोनों साथ में स्कूल से निकले और बातें करते करते घर जाने लगे। और कुछ ही दिन बाद हमारा गर्मी का छुट्टी भी होने वाला था। तो मैंने कहा अब तो हमारा गर्मी का छुट्टी भी आने वाला है यार, मैं तुझे बहुत मिस करूंगा। फिर उसने भी कहा हाँ यार अब तो हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा हाँ मिल नहीं पाएंगे तो तू मुझे छोड़ के दूसरा बॉयफ्रेंड पटा लेगी। अब वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुझे सच्चा प्यार करती हूँ, तेरे लिए हर चीज कर सकती तू बोल के तो देख। फिर मैंने कहा तुझे करने की जरूरत नहीं है पगली, मैं खुद करूंगा, बहुत मन कर रहा है। फिर कहती है क्या, मैंने कहा किस। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है कल स्कूल में आ जाना, मैं स्कूल में ही दूंगी।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे को जाना पड़ेगा। मतलब सच में भाई मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की को किस करने जा रहा था और वो भी होठों पे। तो मैं स्कूल से जैसे ही घर आया तो सबसे पहले अपना बैग रखा और बिस्तर पे लेट के उसी को सोचने लगा कि कल किस टाइप से किस करूं, कहां पे करूं तो अच्छा होगा। मतलब यही सब सोच आने लगी। फिर जैसे ही सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने अपना ब्रश निकाला और एकदम रगड़ रगड़ के अपना दांत साफ करने लगा। मतलब भाई उस दिन मैं अलग ही नशे पे था। फिर जैसे मैंने ब्रश किया तो मम्मी ने खाने को 3 रोटी दिया, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में एक ही रोटी खा के स्कूल निकल गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तो मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा तो मैं उसी का इंतजार करने लगा कि कब आएगी वो। लेकिन उससे पहले मेरा दोस्त आ गया तो मैंने कहा भाई आज तुझे क्या खाना है? बोल तेरा भाई खिलाएगा क्योंकि आज तेरा भाई बहुत ज्यादा खुश है। तो वो समझ गया कि आज तो हमारे सोनू भाई टपाटप करने वाले हैं, तो उसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। मतलब मान लो मैंने ये बात कह के अपने ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली। फिर मेरी गर्लफ्रेंड भी स्कूल आ गई तो मैंने उससे सबसे कहा आज तो देगी ना, तब वो कहने लगी हाँ अगर चांस मिला तो दूंगी। लेकिन साला मेरा दोस्त चांस ही नहीं दे रहा था। मतलब भाई मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वो भी वहाँ वहाँ आ रहा था, साले को मारने का मन कर रहा था। तो ऐसे ही करते करते हमारी छुट्टी हो गई, लेकिन तब भी मेरा दोस्त मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने उससे कहा भाई तुझे तेरी क्रश की कसम, हम लोग यहाँ पे जो भी करेंगे तू नहीं देखेगा, एंड बाद में मैं तुझे एक समोसा भी खिलाऊंगा। तब उसने कहा ठीक है मैं नहीं देखूंगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि हमें जैसे भी करके देख लेगा क्योंकि साला इतना हरामी था कि बातों बातों में मारने का मन करता था, लेकिन अपना दोस्त था तो थोड़ा सा सेह लेता था। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को 9 क्लास के 20 सेक्शन वाली रूम के कोने पे लेके गया क्योंकि तब 9 क्लास के सारे स्टूडेंट जा चुके थे, मतलब छुट्टी हो चुका था, तो सब लोग घर जा रहे थे और मैंने भी इसी चांस में डांस मार दिया। एंड हम जैसे ही कोने पे पहुंचे तो मेरा दोस्त भी पीछे पीछे आने लगा। फिर मैंने कहा अपनी आंखें बंद करके उधर मुड़। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके पीछे तो मुड़ गया, लेकिन मैंने जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना शुरू किया तो वो हमारे सामने आके एकदम से हमारी होठों की तरफ देखता ही रह गया। मतलब भाई लिटरली वो हमें ऐसा करते देख एकदम से शॉक हो गया और कहने लगा हे भगवान ये कैसे कर दिया, दोनों एकदम चिपक के टपाटा। फिर मैंने उसे कहा साले क्यों देखा तूने, मैंने मना किया था ना। तब वो कहने लगा मैंने देखा तो क्या हुआ। फिर मैं उससे गुस्सा हो गया और कहा आज के बाद मैं तुझे एक भी समोसा नहीं खिलाऊंगा। फिर वो कहने लगा बेटा अगर नहीं खिलाया तो ये बात पूरी स्कूल में फैल जाएगी। मतलब लिटरली भाई वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और उसकी ब्लैकमेल से मैं भी डर गया क्योंकि वो पूरा बच्चा जैसा था, जो मन में आए वो कहता था। मतलब कि टीचर लोगों को भी हर चीज बिना शर्माए कह देता था। तो मैंने उस दिन तो उसे समोसा खिला के उसका मुंह बंद करा दिया, लेकिन साले को कितना खिलाऊं यार। हर दिन मेरे पास आता था और कहता था चल समोसा खिला वरना उस दिन वाली बात सबको बता दूंगा। तब मुझे भी बहुत गुस्सा आया एंड हमारे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई जिसमें मैंने उसकी सारी कपड़े फाड़ के रख दिया। तो ये बात जैसे टीचर को पता चली तो टीचर ने हमें ऑफिस रूम में बुलाया और मेरे दोस्त को पूछा तुझे सोनू ने क्यों मारा। तो मेरे दोस्त ने कह दिया सर सोनू ने उस दिन फल्ला लड़की को रूम के कोने पे ले जाके किस किया था और मैंने देखा था, तो इसी कारण मुझे सोनू मार रहा है। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे पूरी तरीके से फंसा दिया और ये बात पूरी स्कूल में फेल गई। और यही नहीं अभी और सुनिए, स्कूल से लेके मेरे दोस्त के घर एंड मेरी गर्लफ्रेंड की दादी को भी ये बात पता चल गई कि मैंने उसकी पोती को किस कर दिया। और अभी तो रुको, एक दिन मम्मी ने हम दोनों को मार्केट के अंदर रंगे हाथ पकड़ लिया। तो अगर आप लोगों को जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के साथ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो यार, एक शेयर करने पे कुछ भी नहीं जाता है, आपकी एक शेयर की वजह से किसी की भला हो रही है, तो कर दिया करो मेरे भाई। तो होप करता हूँ कि आप लोग एक शेयर तो कर ही दोगे एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना रहा, बाय।